नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है बुक एंड ऑथर। ठीक है, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि बुक एंड ऑथर कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी हुई है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, आरबीआई जैसे क्वेश्चंस में, रेलवे एग्जाम से क्वेश्चन में, एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चंस कभी कभी एक दो मार्क के लिए पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ये सारे बुक्स किसने लिखे हुए हैं, या पूछ लिया गया रिपब्लिक बुक किसने लिखा हुआ है। तो इसकी भी एक मेरे पास टेक्निक है, उस टेक्निक से आप मात्र एक घंटे के अंदर 60 मेरे पास टोटल 60 बुक्स के ऑथर हैं। तो आज मैं 50 बताऊंगा, 60 बताऊंगा। इसके अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहेगा, अगर आप रिस्पांस अच्छा देंगे तो अगले नाम के भी वीडियो में बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसके जस्ट अगले वीडियो में 20 बना दूंगा, फिर 20 बना दूंगा और ये खत्म हो जाएगा। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहेगा, अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करिए आगे भी बनाने के लिए, और रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं खुद कंटिन्यू इस वीडियो को करने वाला हूँ। ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, आगे एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर इस बुक का आप पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, उस डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जैसे आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे वैसे मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा वहां पे, इन सारे 16 के मैं पीडीएफ वहां पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप देखिए 60 मात्र 10 मिनट के अंदर हम किस तरह से पूरे के पूरे 16 के 16 मेमोराइज कर सकते हैं बुक एंड ऑथर। अगर आप इनको रटने जाओगे तो ये मेरी गारंटी है, मात्र एक दिन के अंदर आप नहीं भूल गए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, आप एक दिन के अंदर भूल सकते हो अगर आपने 16 के टोटल याद कर लिए तो। और आपको मैं ये पूरे की 16 सिर्फ डेढ़ या दो घंटे के अंदर याद करा सकता हूँ। इस तरह से टेक्निक्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड दिया हुआ ए बैड कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर। अब बैड कैरेक्टर, अब देखिए मैं आपको दो चीजों को रिलेट करा के बताता हूँ, जबकि दूसरों के ट्रिक में क्या फर्क है, मेरे ट्रिक में क्या फर्क है। फर्क यही है कि वो लोग एक वर्ड को ही कनेक्ट कर पाते हैं, बट मैं दोनों वर्ड को उठा के कनेक्ट कराता हूँ, ताकि अगर आपने कभी ए बैड कैरेक्टर सुना तो आपको पहले इस वर्ड का मेमोराइज वर्ड याद आना चाहिए कि इसको मैंने किस तरह से मेमोराइज किया हुआ था। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड दिया है बैड कैरेक्टर। किसी का खराब कैरेक्टर कब होता है, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे वर्ड मैंने उठाया कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर बुक किसने लिखा हुआ है, दीप्ति कपूर ने लिखा हुआ है। तो इसको किस तरह से याद करेंगे, ये आप इमेजिन करिए कि सबसे बैड कैरेक्टर जो फिल्म में होता है, सबसे बैड कैरेक्टर यहाँ पे दीप्ति कपूर लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे बैड कैरेक्टर किसको मिलता है, दीप्ति कपूर। आप ये सीधा सीधा वर्ड याद कर सकते हो। ठीक है, कि या तो आप दीप्ति की जगह पे कुछ और भी वर्ड यूज कर सकते हो कि सबसे बैड कैरेक्टर किसको मिलता है, दीप्ति कपूर को मिलता है। किसी भी मूवी में सबसे बैड कैरेक्टर किसको मिलता है, दीप्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है डिवाइन लाइफ। ठीक है, डिवाइन लाइफ। अब हम इसमें से क्या उठाते हैं, वाइन उठाते हैं। क्या उठाते हैं, वाइन उठाते हैं। यहां से मैंने वर्ड वाइन उठाया, यहां से मैंने शिव भगवान को उठाया, तो शिव भगवान हमेशा वाइन पिए रहते हैं, या वाइन हर समय शिव भगवान पीते हैं। कौन पीता है, शिव भगवान। तो शिवानंद। ठीक है, शिवानंद क्या करते हैं, हमेशा वाइन पीते हैं। तो यहाँ से कौन सा वर्ड उठाया मैंने, कैरेक्टर उठाया, यहाँ से क्या उठाया, वाइन। वाइन कौन पीता है सबसे ज्यादा, शिव भगवान पीते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सबसे ज्यादा वाइन कौन पीता है, शिव भगवान पीते हैं। तो डिवाइन लाइफ का शिवानंद। नेक्स्ट रिपब्लिक दिया हुआ है, रिपब्लिक प्लूटो, यहाँ से वर्ड निकलेगा पब्लिक। पब्लिक को लूटो, पब्लिक। मैं ऐसा बोला आपको, आपने दुकान खोला है और आप पब्लिक को लूटो, मैंने आपको बोला कि जितनी ज्यादा पब्लिक है उनको आप क्या करिए, लूट लीजिए। तो पब्लिक लूटो, तो रिपब्लिक किसने लिखा, प्लूटो ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा, प्लूटो ने लिखा। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे ऑर्डर। आप एक व्यक्ति को बोल रहे हो कि जा जल्दी से दौड़ के जा एयरपोर्ट पे ऑर्डर ले ले, क्या ले ले, ऑर्डर ले ले। तो किसने लिखा है, ये ऑथर हेले ने लिखा है। आपने उस व्यक्ति को क्या बोला, जा एयरपोर्ट पे। आप इमेजिन करिए चीजें याद हो जाएंगी। आप एयरपोर्ट पे अपने फ्रेंड को भेजते हो और बोलते हो कि जा वहां पे ऑर्डर ले ले, ऑर्डर ले ले। तो किसने लिखा है बुक को, ऑथर ले ले, ऑथर ले ले। ठीक है, ऑथर ले ले। नेक्स्ट गोदान, गोदान में से क्या वर्ड बना सकता हूँ, गोदान, गोदान, गोदान। गो का मतलब आप जानते ही होंगे, गो का मतलब होता है गाय। आप गाय से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, आप गाय से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, इसलिए आप गोदान नहीं करते हो। आप गाय से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, क्या करते हो, प्रेम करते हो। तो बुक किसने लिखा है, प्रेमचंद्र। आप गौ माता से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, इसलिए आप गोदान नहीं करते हो। तो गोदान आप जब भी देखेंगे तो आपको गोदान याद आएगा। तो आप गोदान करते हो, नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि आप प्रेम करते हो किससे, गौ से। तो क्या होगा, प्रेमचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट लज्जा,
लज्जा को, लज्जा मतलब होता है शर्म करना, ठीक है, लज्जा का मतलब होता है शर्म। तो अब यहां से लज्जा वर्ड उठा लेंगे क्योंकि लज्जा अपने आप में एक कॉमेडी वर्ड है, लज्जा मतलब शर्म। नेक्स्ट तस्लीमा, तस्ली तस्लीमा, तो आप यहाँ पे वर्ड दो वर्ड है, तस्ली बन रहा है और माँ बन रहा है, तो तस्ली का मतलब होता है थाली, ठीक है, थाली आप माँ से साफ करा रहे हो, आपको लज्जा नहीं आती, किस तरह से याद करेंगे, आपको लज्जा नहीं आती, आप अपने तस्ली को माँ से साफ करा रहे हो, किससे साफ करा रहे हो, माँ से, तस्ली का मतलब थाली, ठीक है, आपको लज्जा नहीं आती, लज्जा किसने लिखा है, तस्ली माँ, क्यों लज्जा आपको नहीं आती, आप अपनी तस्ली माँ से साफ करा रहे हो, तो किससे साफ करा रहे हो, माँ से, क्या तस्ली, तो लज्जा किसने लिखा, तस्ली माँ ने लिखा। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल वही उठाता है जो मेन आदमी होता है, हेड एंड टेल मैच में कौन करता है, जो मेन आदमी होता है, आप ऐसा इमेजिन करेंगे, हेड एंड टेल कौन करता है, जो मेन आदमी होता है, तो मेन से मेनका गांधी, मेन, मेन से क्या हो जाएगा, मेनका गांधी। इंडिया अनरेस्ट, ठीक है, इंडिया अनरेस्ट किसने लिखा, वैलेंटाइन डे सिरोल, अब इसको कैसे याद करेंगे, वैलेंटाइन डे यहां से उठा लेंगे, अनरेस्ट यहां से उठा लेंगे, इंडिया अनरेस्ट, इंडिया वाले को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्यों इंडिया वालों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर वो वैलेंटाइन डे को सरल, यहां से सरल, अगर वो वैलेंटाइन डे को सरल तौर पे, सरल तरीके से नहीं मनाएंगे तो उनको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो इंडिया अरेस्टेड, क्यों अरेस्टेड, क्योंकि वैलेंटाइन डे सरल नहीं मना रहे हैं वो, तो जो इंडियन वैलेंटाइन डे को सरल में नहीं, सरल रूप में नहीं मनाएगा उसको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो इंडिया अरेस्ट किसने लिखा, वैलेंटाइन डे सिरोल ने लिखा। नेक्स्ट यामा, यामा आपको पता है गाना है, यामा क्या है, सॉन्ग है, तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि यामा, यामा जो सॉन्ग है वो कौन गा रहा है, देवी जी गा रही हैं, वो भी भोजपुरी में, ऐसा रियल लाइफ में होगा कि यामा, यामा सॉन्ग वो भी देवी भगवान, ठीक है, देवी माता गाएंगी क्या भोजपुरी में, तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि यामा, यामा जो सॉन्ग है वो कौन गा रहा है, देवी वर्मा गा रही है, देवी माँ गा रही है यामा, यामा सॉन्ग। नेक्स्ट ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसने लिखा हुआ है, खुशवंत सिंह ने, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ट्रेन टू पाकिस्तान, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे हैं और आप बहुत ज्यादा क्या हैं, खुश हैं, तो आप ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे हो इसलिए आप क्या हो, बहुत ज्यादा खुश हो, तो ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे हो तो बहुत ज्यादा खुश हो, तो क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह, तो ट्रेन से, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। नेक्स्ट दिया हुआ है द रेड साड़ी, क्या दिया हुआ है, द रेड साड़ी, साड़ी, अब इसका आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे मैंने जवीर मारू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जवीर मारू, इसका मुझे आप बताएंगे, ठीक है, हर वीडियो में आपको क्वेश्चन देता हूँ और इस बार भी मैं आपको दूंगा और आप मुझे कमेंट करेंगे। झूठा सच, आपको मैं पूछा कि आप मुझे बताइए कि आप झूठ और सच बोलते हैं, तो आपने बोला यस, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोलता जो आज तक झूठा नहीं बोला हुआ है और ये रियल है, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप झूठ और सच दोनों बोलते हैं, तो आपने बोला यस, तो यशपाल सिंह, ठीक है, यशपाल सिंह। नेक्स्ट दिया हुआ इंदिरा गांधी रिटर्न, इंदिरा गांधी जब रिटर्न हो रही थी तो बहुत ज्यादा खुश थी, इंदिरा गांधी जब रिटर्न हो रही थी, रिटर्न वर्ड उठाया मैंने यहां से, इंदिरा गांधी जब रिटर्न हो रही थी तो बहुत ज्यादा खुश थी, तो किसने लिखा, खुशवंत सिंह ने। नेक्स्ट पॉलिटिक्स, आजकल के लोग पॉलिटिक्स रस्ते पे भी करते हैं, आजकल के लोग पॉलिटिक्स कहां करते हैं, रस्ते पे, यहां पे अरस्तु, ठीक है, अरस्तु, अरस्तु याद करना है, अरस्तु तो रस्ते, तो आजकल के पॉलिटिक्स जो करते हैं लोग रस्ते पे भी करते हैं। नेक्स्ट पंचतंत्र, तो सबसे ज्यादा जो पंचतंत्र करता है वो है विष्णु शर्मा, विष्णु भगवान, सबसे ज्यादा पंचतंत्र कौन करता है, विष्णु भगवान करते हैं, इसलिए पंचतंत्र विष्णु, ठीक है, इमेजिन, इमेजिन, जितना ज्यादा इमेजिन उतनी ज्यादा चीजें याद। माई जर्नी, माई जर्नी को अगर हिंदी में आप बोलो तो माई जर्नी, ठीक है, इंग्लिश में बोलो माई जर्नी, माई जर्नी का मतलब जर्नी, ठीक है, घूमने आप जा रहे हो, तो माई जर्नी, माई जर्नी किसने लिखा, अब्दुल कलाम ने, अब्दुल, अब्दुल से यहां पे बना सकते हो कि अब्दुर, इसको पढ़ो अब्दुल, 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 तो वर्ड ज्यादा मैच होने चाहिए जिस तरह से आप बनाते हो, तो माय जर्नी अब ज्यादा दूर नहीं है, माय जर्नी अब ज्यादा दूर नहीं है, तो अब दूर नहीं है, माय जर्नी अब दूर नहीं है, तो अब्दुल कलाम ने लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गए 60।
ठीक है, कितनी सरल तरीके से आपने चीजें याद कर ली। अब आप फटाफट एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कि कितनी चीजें हमको याद है। ठीक है, पहला दिया हुआ बैड कैरेक्टर, कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका खराब होता है, दीप्ति गुप्ता का खराब होता है। ठीक है, दीप्ति कपूर का खराब होता है। नेक्स्ट डिवाइन लाइफ, सबसे ज्यादा डिवाइन कौन पीता है, शिव भगवान पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिवानंद। नेक्स्ट रिपब्लिक, रिपब्लिक पब्लिक को क्या करो, लूटो, तो लूटो से क्या हो जाएगा, फ्लूटो। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे मैंने बोला जा ऑर्डर ले ले, तो ऑर्डर ले ले तो ऑथर ले ले। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है गोदान, आपको गोदान आप नहीं करते क्यों, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो प्रेम से क्या, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट लज्जा, लज्जा आपको नहीं आती, आप तस्लीमा से साफ करा रहे हो, तो तस्लीमा। ठीक है, क्या, तस्लीमा। नेक्स्ट हेड एंड टेल, हेड एंड टेल कौन करता है, मेन आदमी करता है, तो मेनका गांधी, जो मेन होता है वही हेड एंड टेल करता है। इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट वही होंगे, अरेस्ट कर लिए जाएंगे जो वैलेंटाइन डे को सरल तरीके से नहीं मनाएंगे, वैलेंटाइन डे सिरोल। नेक्स्ट यामा, यामा यामा सॉन्ग कौन गा रहा है, महादेवी, वो भी देवी गा रही है, किसमें, भोजपुरी सॉन्ग में, तो कौन हो जाएगा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट ट्रेन टू पाकिस्तान, आप ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे हो, बहुत ज्यादा खुश हो, तो खुशवंत। नेक्स्ट दिया हुआ द रेड साड़ी, ये मुझे आप बताओगे, झूठा सच, आपको पूछा गया आप झूठ और सच दोनों बोलते हो, आपने बोला यस, तो यशपाल सिंह। नेक्स्ट इंदिरा गांधी रिटर्न, इंदिरा गांधी रिटर्न हुई थी, बहुत ज्यादा खुश थी, तो क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट पॉलिटिक्स, तो आजकल के लोग पॉलिटिक्स रस्ते पे भी करते हैं, तो अरस्तु। ठीक है, पंचतंत्र, सबसे ज्यादा पंचतंत्र कौन करता है, विष्णु भगवान, तो विष्णु शर्मा। नेक्स्ट माई जर्नी, माई जर्नी अब दूर नहीं है, अब्दुल कलाम। कितनी जल्दी रिविजन होगा, कितनी जल्दी चीजें याद होगी। ठीक है, तो ये है मेरी बुक्स एंड ऑथर की वीडियो, इसके बाद के वीडियो में भी मैं 20 अवेलेबल कराऊंगा, फिर 20 पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसका वीडियो का अच्छा रिस्पांस देते हैं, अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस रहेगा, तो इसके बाद के मैं वीडियो कंटिन्यू कराऊंगा, और इसके पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। ठीक है, और अगर एक रिक्वेस्ट और है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, और जो मैं होमवर्क देता हूँ आप प्लीज उसे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप मुझसे भी अच्छा बना सकते हो उस वर्ड को, जिन वर्ड को मैंने बनाया है उस वर्ड को आप उस और बेटर तरीके से मुझे बना के दिखाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका भी टेक्निक ग्रोथ होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।